हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड देन उसकी डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द IEEE डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे जैसे कि हमें दिखाई पड़ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग। ओके, सो अगर हम इसका अलग अलग मतलब देखें कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग, एंड उन दोनों को कंबाइन करके हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, सो आपने पहले भी जैसे पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सो बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसको कि किसी डेडिकेटेड पर्पज के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे कि कुछ वो टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे आपने अपने फोन वगैरह में या लैपटॉप में कई सारे सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि किसी डेडिकेटेड पर्पज के लिए जनरली इसको डिजाइन किया जाता है। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप किसी टास्क को परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टेक्निकल डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की, एंड इसी तरीके से इंजीनियरिंग की एक टेक्निकल डेफिनेशन मेंशन की है। तो सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज considered to be a collection of executable programming code, associated libraries and documentation. That means basically it is a collection of executable program code, जो कि एक programming code होगा, multiple codes होंगे, उनको collect करके then उसके साथ यहाँ पे कुछ associated libraries होंगी and उसका documentation। जब भी आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हो, सो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है या कैसे उसको यूज करना है, ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद अब अगर हम इंजीनियरिंग को देखते हैं, सो इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग well defined scientific principles and methods. That means engineering क्या करती है, इसमें basically products को हम design करते हैं या develop करते हैं by using well defined scientific principles and different methods. तो इस तरीके से अब अगर इसको इन दोनों को हम combine करें, तो software engineering की जो definition बनती है वो मैंने यहां पर mention की हुई है। basically software engineering can be defined as an engineering branch associated with the development of software products using well-defined scientific principles, methods and procedures. That means ki it can be defined as an engineering branch jo ki kya karta hai, basically it is associated with the development of software products. Okay, now the question is ki what is software product. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे कि किसी डेडिकेटेड पर्पस के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, सो इट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये है आपका टेक्निकल टर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन, जो कि क्या करता है, इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इसके बाद IEEE ने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन दी है। जैसे कि आपको पता होगा कि IEEE क्या करता है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। सो इसी तरीके से उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी एक डेफिनेशन दी हुई है, वेल डिफाइंड फिक्स डेफिनेशन है, इसको मैंने यहां पर मैंशन की हुई है। सो द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. That means ki applications of engineering to the software development. Basically iska matlab ye hai ki koi bhi agar hum software development karte hain, so usme engineering ko kaise use karna hai, kya procedures honge, kya methods honge, wo sari cheeze is particular definition mein mention ki gayi hai. So kuch terminologies yahan pe स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी दी गई है जो कि IEEE ने प्रोवाइड की है। सो उसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होगा विद सम सिस्टम, किसी सिस्टम से काम
काम करेगा, प्रीडिफाइंड सिस्टम होगा, उसको यूज करके ये डेवलपमेंट प्रोसेस होगा। देन डिसिप्लिन, दैट मींस कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही इसको अप्रोच को प्रोसीड करेंगे। देन क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट। क्वांटिफाइएबल मींस कि जो भी यहां पे डिफाइंड है, क्या टास्क किस टाइम पे कितने टाइम तक परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी यहां पे प्रीडिफाइंड करेंगे। एंड इफ देयर एनी चेंजेस अगर, तो उसको टाइम टू टाइम हम मेंटेन करते रहेंगे। तो ये है आपका IEEE डेफिनेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब इसको अगर देखते हैं कि नीड क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, क्यों है, इसका क्या रिक्वायरमेंट आया। सो नीड को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज बनानी है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है, तो उसके लिए कोई एक फिक्स प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस ये कैसे काम करेगा, या कुछ उसके लिए फिक्स स्टैंडर्ड्स या मॉडल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो सारे मॉडल्स के बारे में, उन सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बताता है। सो नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी वेरियस नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मैंने वेरियस नीड्स मेंशन कर रखी है। अभी इसको आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली नीड आपकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का यहाँ पे मतलब ये है कि रैपिड चेंज इन यूजर्स रिक्वायरमेंट। दैट मींस कि इफ यू आर डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या है, टाइम टू टाइम यूजर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस जो अभी आप यूज कर रहे हो, कुछ टाइम पहले उसमें कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, बट एक टाइम के बाद क्या होता है, उसमें अगर यूजर को लगता है कि उसमें ये सारी चीजें भी, कुछ फीचर्स एडिशनल उसमें अवेलेबल होने चाहिए। जैसे एक सिंपल सा विंडोज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहले आपका विंडोज 10 आप यूज कर रहे थे, बट अभी क्या है, अभी आप देख रहे हो कि सिंपली उसमें कुछ फीचर्स ऐड करके विंडोज 11 अभी लॉन्च कर दिया गया है। तो इस तरीके से और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स आपको दिखेंगे जो कि टाइम टू टाइम उसमें फीचर्स को ऐड या रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो भी चेंजेस अगर होते हैं, फॉर दैट इट रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो दैट कि ये चेंजेस इजिली उसमें अकम्प्लिश किए जा सके। मींस कि जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें मेन थिंग यहाँ पे ये है फोकस करने वाली बात कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, अब अगर सपोज कोई चेंजेस इसमें करने हैं, तो ये नहीं कि अब यहाँ पे हमें फिर से एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़े, नहीं, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हम न्यू वर्जन इसका प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इसके लिए इट रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट नीड कॉस्ट। कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर डेवलप होता है, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, सो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगा ही। तो ये नहीं कि जो भी जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको, उसके लिए नए नए हम मीन्स मॉड्यूल्स यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे। सिंपली क्या है, जो भी मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो भी मॉड्यूल्स हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, इसके लिए हमें ये ट्राई करना चाहिए कि किस तरीके से हम इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो वो मिनिमाइजेशन कब पॉसिबल है, इफ वी आर यूजिंग एनी सिस्टमैटिक प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट एनी सब डिसिप्लिन प्रोसेस। तो वो डिसिप्लिन प्रोसेस अगर हम यूज करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट इसका डेवलपमेंट का ना आए। अब नेक्स्ट इसका अगर नीड है, देख लेते हैं, थर्ड है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। दैट मींस बाय प्रोवाइडिंग बेटर प्रोसेसेस। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल है, इट प्रोवाइड्स क्वालिटी मैनेजमेंट, सो दैट डिफरेंट प्रोसेसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू दिस प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, वो उस प्रोसेसेस को यूज करके एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप करता है, और वो सॉफ्टवेयर आपका यूजर को प्रोवाइड किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग सब ऑपरेशंस। तो ये है आपका यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट। लास्ट वन इज द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि देयर इज डायनेमिक चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट, दैट मींस कि देयर आर रैपिड चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट। सो ये चेंजेस जब भी अगर होते हैं, तो उसमें क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम इस टाइप से होना चाहिए कि वो इन चेंजेस को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द स्केलेबिलिटी। दैट मींस कि इफ द सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम इज एबल टू इनकॉर्पोरेट न्यू चेंजेस easily, so
दिस इज नोन एज द स्केलेबिलिटी। तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अगर ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं, इसको मींस इसको अगर यूज करके सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर होगा आपका क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर को ऑब्वियसली यूजर्स यूज कर सकते हैं। उसको अब किसी डेडिकेटेड पर्पस के लिए, जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, वो पर्पस हमारा यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।